नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको संस्कृत का लेसन 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है युवाम आवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। युवाम के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन का थे प्रत्यय तथा आवाम के साथ आव्यय प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे युवाम पठ धातु में जब थ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठत, युवाम पठत। और आवाम के साथ पठ धातु में आवह जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा पठावह, आवाम पठावह। इस पूरे लेसन में धातु लटलकार, पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है और वचन द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। दिनेशः रमेशः च। दिनेशः रमेशः च। दिनेश और रमेश। किम युवाम पठत। किम मीन्स क्या, युवाम मीन्स तुम दोनों, पठत मीन्स पढ़ते हो। क्या तुम दोनों पढ़ते हो। अर्चना अन्वीक्षा च। अर्चना च का अर्थ होता है और अन्वीक्षा। आम आवाम पठावे। आम मीन्स हाँ, हाँ आवाम मीन्स हम दोनों, पठावे मीन्स पढ़ती हैं। हाँ हम दोनों पढ़ती हैं। दिनेश है रमेश है च। दिनेश और रमेश। युवाम कुत्र गच्छत। तुम दोनों कहाँ जाती हो। कुत्र मीन्स कहाँ और गच्छत मीन्स जाना, तो तुम दोनों कहाँ जाती हो। अर्चना अन्वीक्षा च। अर्चना और अन्वीक्षा। आवाम विद्यालयम गच्छावह। हम दोनों विद्यालय जाती हैं। दिनेशः रमेशः च। दिनेश और रमेश। किम युवाम प्रातः खेलतः। क्या तुम दोनों सवेरे खेलती हो। खेलता मीन्स खेलती हो। क्या तुम दोनों सवेरे खेलती हो। अर्चना अन्वीक्षा च। अर्चना और अन्वीक्षा। नहीं आवाम प्रातः न खेलावे। नहीं हम दोनों सवेरे नहीं खेलती हैं। आवाम प्रातः पठावह। हम दोनों सवेरे पढ़ती हैं।
दिनेश रमेश च, दिनेश और रमेश। किम युवाम प्रतिदिनम पठत है, क्या तुम दोनों प्रतिदिन पढ़ती हो। अर्चना अन्वीक्षा च, अर्चना और अन्वीक्षा। आम आवाम प्रतिदिनम पठाते हैं, हाँ हम दोनों प्रतिदिन पढ़ती हैं। दिनेश रमेश च, दिनेश और रमेश। शोभनम सुंदर या अच्छा। आवामह अपि प्रातः पठावह, हम दोनों भी सवेरे पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद एक बार फिर देखते हैं। दिनेश है रमेश है च, दिनेश और रमेश। किम युवाम पठत है, क्या तुम दोनों पढ़ती हो। अर्चना अन्वीक्षा च, अर्चना और अन्वीक्षा। आम आवाम पठावह, हाँ हम दोनों पढ़ती हैं। दिनेश रमेश है च, दिनेश और रमेश। युवाम कुत्र गच्छत, तुम दोनों कहाँ जाती हो। अर्चना अन्वीक्षा च, अर्चना और अन्वीक्षा। आवाम विद्यालयम गच्छावह, हम दोनों विद्यालय जाती हैं। दिनेश है रमेश है च, दिनेश और रमेश। किम युवाम प्रातः खेलत है, क्या तुम दोनों सवेरे खेलती हो। अर्चना अन्वीक्षा च, अर्चना और अन्वीक्षा। नहीं आवाम प्रातः न खेलावह, नहीं हम दोनों सवेरे नहीं खेलती हैं। आवाम प्रातः पठावह, हम दोनों सवेरे पढ़ती हैं। दिनेश है रमेश है च, दिनेश और रमेश। किम युवाम प्रतिदिनम पठत, क्या तुम दोनों प्रतिदिन पढ़ती हो। अर्चना अन्वीक्षा च, अर्चना और अन्वीक्षा। आम आवाम प्रतिदिनम पठावह, हाँ हम दोनों प्रतिदिन पढ़ती हैं। दिनेश रमेश च, दिनेश और रमेश।
शोभनम सुंदर। आवाम अपि प्रातः पठावः, हम दोनों भी सवेरे पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद के बाद अब करते हैं इस लेसन के शब्द अर्थ। सबसे पहला शब्द है दिनेश। दिनेश है लड़के का नाम। रमेश है लड़के का नाम। चै और किम क्या, युवाम तुम दोनों, पठत है पढ़ते हो, अर्चना लड़की का नाम, अनविक्षा लड़की का नाम, आवाम है हम दोनों, पठावे है पढ़ते हैं, गच्छत है जाते हो, गच्छावे है जाते हो, प्रात है सवेरे, खेलत है खेलते हो, खेलावे है खेलते हैं, प्रतिदिनम हर रोज, शोभनम अच्छा, अपि भी। शब्द अर्थ एक बार फिर पढ़ते हैं। दिनेश है लड़के का नाम, रमेश है लड़के का नाम, चे और किम क्या, युवाम तुम दोनों, पठत है पढ़ते हो, अर्चना लड़की का नाम, अन्वीक्षा लड़की का नाम, आवाम हम दोनों, पठावह पढ़ते हैं, गच्छत है जाते हो, गच्छावह जाते हैं, प्रातः है सवेरे, खेलत है खेलते हो, खेलावह खेलते हैं, प्रतिदिनम हर रोज, शोभनम अच्छा, अपि भी। तो बच्चों आज हमने लेसन 7 जिसका नाम है युवाम और आवाम, इस लेसन की संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद, इसके साथ ही इसी लेसन के शब्द अर्थ हमने पढ़े और अच्छी तरह समझे। आशा करती हूँ यह पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।